अनु, अरे यार क्या करूं यार, बड़ी जोर से लगा है, ये कर लूं क्या, इसी पानी मिल भी जाएगा। अनु, उफ़ वो आ रही हूं ना। विभू, मैं रस्सी फेंक रही हूं, तुम रस्सी को पकड़ो। अरे यार लेकिन खींचेगा कौन? मैं खींचूंगी और कौन खींचेगा, तुम रस्सी पकड़ो। रहने दो, तुम्हारे हाथ तो उखड़ के नीचे आ जाएगा। पकड़ा ना? हाँ पकड़ा हुआ है, खींचो। अच्छा ठीक है, पकड़े रहो, मैं खींच रही हूँ तुम्हें बाहर, तुम बाहर आओगे अब। खींचो, अरे खींचो ना यार। ध्यान से, देखो तिवारी, पुलिस बनने से पहले आदमी को चोर बनने पड़ते हैं। आप तो लगते भी हैं। तो मुंह बंद कर लूं, ये घुसेड़ देंगे ससुर। खोलिए खोलिए जल्दी। अरे खींचो ना यार। खींच तो रही हूँ, तुम खुद ही कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम बाहर ही नहीं आना चाहते हो, दम लगाओ ना अपने आप से, मैं खींच रही हूँ। अरे यार ससुर, बिलैया बहुत हो गई मोहल्ला में। अरे विभू, लगता है किचन में कोई कुत्ता है, बिल्ली आ गया है, तुम यही रुको, मैं आ रही हूं अभी। अरे यार कहां चली गई ये? अरे 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 अरे, कहां आप लोग मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? गौरी मैम, जो 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 हमारा आइडिया ना, तो जो भैया तिवारी को आइडिया है तो। क्या क्या बकवास कर रहे हैं, ये आपका आइडिया था, हमारा नहीं था। तुम चुप करो, झूठ काहे बोल रहे यार, तो मैंने तो कही थी तुम्हारा आइडिया है तो। ये हटिए, आपका आइडिया था, हमारा आइडिया कहाँ से है? तो अरे जिसका भी आइडिया था, आप दोनों चोरी से मेरे घर के अंदर घुसकर आ रहे हैं। जी जी, वो क्या है ना, वो तो इसलिए चोरी से घुसकर आ रहे हैं क्योंकि आप हमें मुख्य द्वार से घुसने ही नहीं दे रही हैं भाभी जी। तो हम तो क्या करना है आपको मेरे घर आकर? अरे भाभी जी, हम तो हमेशा मुख्य द्वार से आपके दर्शन करने आते हैं आपके घर। नहीं, अब से नहीं आएंगे आप। क्यों नहीं आएंगे? तिवारी जी, आपको कोई शर्म हया नहीं है? आज दिन में मैंने आपको इतनी बुरी तरह लथाड़ा, फिर भी आप बेशर्मों की तरह मेरे घर में चोरी चोरी घुसे आ रहे हैं। अरे जी, आप हमारी बेइज्जती किए जा रही है, ये क्या है? तिवारी जी, आप काम ही बेइज्जती वाले कर रहे हैं। छोड़िए, तिवारी जी तो हैं ही बेशर्म। हप्पूसिंह जी, आपको अपनी वर्दी का कोई लिहाज नहीं है? कौन पुलिस वाला घर में इस तरह से चोरी से घुस के आता है? अब गोरी मैम, जो 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 हमें तिवारी ने कही कि आपके घर में कछु गड़बड़ चल रही है, तो हम बस छानबीन करने को आए थे ऐसे अपनी। सर्च वारंट कहाँ है? शो मी द सर्च वारंट। गोरी मैम, सर्च वारंट तो नहीं है। नहीं है? लाइए, फोन निकालिए अपना, नंबर दीजिए कमिश्नर का, मैं भी पूछूं उनसे कि कौन सी पुलिस की किताब में लिखा हुआ है कि पुलिस वाला किसी के भी घर में बिना सर्च वारंट के चोरी से इस तरह घुसकर आ सकता है। निकालिए, नंबर दीजिए। अरे गोरी मैम, हमसे गलती हो गई है, हमें जो जो, जो ससुर तिवारी ने हमारे कान भरे हैं, तुमने ससुर कान भरे हमारे। यार बात में हम पे क्या इल्जाम लगा रहे, हमने क्या किया यार? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम गोरी मैम जा रहे हैं। एक मिनट, वापस आइए, आप लोग वहीं खड़े रहिए, एक इंच भी नहीं हिलेंगे आप लोग वहां से। अगर हिले ना तो मैं सच में कमिश्नर को फोन लगा दूंगी। ना नहीं, रुकिए, मैं एक मिनट अंदर से आ रही हूँ। क्या करवा रही है ये, अटेंशन खड़ो करवा दो। अरे यार कहाँ चली गई ये? विभू, अब तुम पकड़े रहना रस्सी, अब तुम जरूर निकलोगे, ठीक है? हाँ, अब मैं रस्सी जोर से खींचने वाली है।
लेकिन कौन खींचेगा? अरे उससे तुम्हें क्या मतलब, अब तुम बाहर आ जाओगे पक्का। हाँ तुम रस्सी पकड़े रहो बस। हाँ पकड़ी हुई है यार। पकड़िए रस्सी, पकड़िए, दोनों पकड़िए, पकड़ के रखिए। मैं अंदर जा रही हूँ, अंदर से आपको आवाज लगाऊंगी, जब आवाज लगाऊंगी तो आप इस रस्सी को खींचिए दम लगाकर, और जब तक ना कहूं तब तक खींचते रहिए। गोरी मैम जो है काले सवाल नहीं। कमिश्नर को फोन लगाऊं? ना, ना। बता दूं उनको कि आप इस तरह से मेरे घर में बिना सर्च वारंट के आए थे? नहीं नहीं हम खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। गुड, पकड़ रहिए। आओ तिवारी यार, जी जी गोरी मैम सर का खिंचवा रही है। खींचिए खींचिए, दम नहीं है क्या दरोगा जी? साले की लाश तो नहीं खिंचवा रही है। जो कछु हुए लेकिन तिवारी है बहुत भारी। हाँ पकड़े रहो पकड़े रहो, ऊपर आओ, कम ऑन। रहना दरोगा जी। तिवारी जी जोर लगाइए, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, यस यस कम अप। खेस तिवारी आवाज मत करो ना। खे तो ससुर रोटी नहीं खाई का? खेच रहे ना दरोगा जी। हाँ हाँ खींचिए खींचिए। विभु 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 उठो, देखो सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई क्या? हाँ विभु सुबह हो गई, अब जल्दी से उठ जाओ। अरे यार यहाँ तो इतना अंधेरा है, कुछ पता नहीं चल रहा है यार, सुबह हुई है कि रात हुई है यार। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम्हारे लिए ना मॉर्निंग टी लेकर आई हूँ, इसको पियो, देखो तुम्हारी नींद खुलती है। मिला विभू? हाँ चाय तो मिल गई लेकिन बिस्किट्स कहाँ है? बिस्किट्स? हाँ हाँ भेज रही हूँ, ये लो कैच करो। उइ आँख पे लग गया यार। ओहो ठीक से कैच करो ना। अच्छा एक और भेज रही हूँ। मिला? हाँ मिल गया, थोड़ा गीला हो गया, चलो चलेगा। अच्छा तुम अपनी टी एंजॉय करो, एंड डोंट वरी, हाँ मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ, तुम्हें बाहर निकालते हैं। जल्दी इंतजाम करो वरना मैंने चाय पी ली है, यही खाया बन जाएगी फिर। अच्छा अच्छा ठीक है आ रही हूँ, एंजॉय योर टी। चे मरी 200 की चाल। ये ले मेरी 400 की चाल। जैसे की चाल, पट्टे खोल, ये देख तीन बात से। ये ले तीन एक के। अरे यार फिर हार गो मैं तो। ओ भाभी जान देखा तुम यहाँ पर हो, तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ मैं। चलो जल्दी चलो मेरे साथ। भाभी जी कहाँ है वो? अरे तुमसे मुझे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ चलो घर चलो। मुझसे काम? मैं चलता भाभी जी, मगर इधर कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। और तुम्हारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन गया घुइया के खेत में, चलो मेरे साथ। टीका तुम मेरे साथ चलोगे ना मेरा काम करने, तुम्हें पूरे 1000 रुपए दूंगी। 1000 रुपल्ली? लौंडे मैं भी आता हूँ। हैं चलिए भाभी चलिए चल जल्दी चल। अरे यार कहाँ चली गई ये? चलो जल्दी चलो। भाभी जी कहाँ है कोई तो बताओ। बता रही हूँ ना, जल्दी आओ अंदर आओ। देखिए कछु हुआ का ये तो बता दो। खा खा की भैंस हो रहे हो, आज टेस्ट करूंगी तुम्हारा कि तुम्हें कितनी ताकत है।
तो क्या विभूति भैया से कोई कुश्ती उश्ती लड़वानी है का? अरे नहीं बाबा, तुम यहाँ पर दो मिनट रुको, हिलना नहीं। हाँ, 1000 रुपए चाहिए ना? मैं आ रही हूँ अभी। 1000 रुपए? यार ये भाभी जी चाहती कहाँ है हमसे? अरे विभू, विभू, विभू क्या कर रहे हो? अब ये मत पूछो कि क्या कर रहे हो यार, बस हो रहा है जो कुछ हो रहा है बस। बस। पता नहीं क्या कर रहे हो। अच्छा सुनो, तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम हो गया है। हाँ, तुम ध्यान से सुनो, देखो रस्सी को पकड़ के रखना। हाँ, पकड़ के रखना और हम बाहर खींच रहे हैं तुमको, ठीक है? जल्दी खींचो यार, जल्दी खींचो यार। हाँ हाँ हाँ, यू जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। आई कांट। टीका, इधर आ। हाँ? ये पकड़। क्या? पकड़ पकड़। अरे सांप सांप सांप। अरे सांप नहीं है, रस्सी है, डरो मत। हाँ? पकड़ो। फिर? खींचो 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 जोर से। खींचो, अरे खींचो ना यार। भाभी जी, जी है का? टीका, ताकत से खींच। हाँ, पकड़ और इसे जोर से खींच। अरे खींचो। कम ऑन टीका, लगाना। क्या बात? यस, गुड गुड। अरे क्या बात है यार। के बारे में सोच और खींच। 1000 रुपए ले। अरे यार, भाभी जी ने कल हमें भी रस्सी खींचने के लिए कहा और अभी टीका से रस्सी खिंचवा रही है। ये हो क्या रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। हाय टीका। अरे आयो आयो। ओह माय गॉड। अरे विभू, क्या हुआ? लगी क्या? लगी तो सही। ओ, अच्छा रहो फिर थोड़ी देर अंदर ही। मैं क्या कह रही थी कि सुनो, अंदर ही हो तो देखो, शायद कलश मिल जाए। हाँ, थोड़ा सा और खोद लो ना यार। कलश तो भले मिले ना मिले, मेरी लाश नहीं मिलेगी तुम्हें कुछ दिनों बाद। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं कर रही हूँ कुछ इंतजाम। अरे यार अन्नू, क्या मैं सारी जिंदगी एक गड्ढे में पड़ा रहूंगा क्या? ओ विभू, सब्र करो, थोड़ा सोचने दो क्या करूं। उस वक्त ही सोचा था कि मैं इतना गहरा गड्ढा खुदवा रही हूं, इससे ये गरीब बाहर कैसे निकलेगा। आप नहीं चला दिमाग उस वक्त, अब क्या करूं? हाँ, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में दौलत नाच रही। दौलत, दौलत के आगे अपने पति की जान की चिंता ही नहीं तुम्हें। तुम एक नंबर की लालचन हो, लालचन। फालतू की बातें मत करो, समझे? ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया है, हम दोनों के लिए किया था, अपने भविष्य के लिए किया था। इस चक्कर में तुमने मेरा भविष्य खतरे में डाल दिया। अब कौन आ गया? कौन? अरे कहाँ चली गया? नो, आ रही हूँ आ रही हूँ, रुको। अरे यार, अरे 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 तिवारी जी, आपको तो जी क्या कर रहे हैं? ऐसे कैसे घुसे आ रहे हैं आप? अरे गोरी मैम, अब की बार सर्च वारंट लेकर पधारे हैं हम। और देखिए दरोगा जी, तो खुदाई भी चल रही है, देखिए ये देखिए। अरे महाराज, हमें लग रहा है लाश को दफनाने को प्रोग्राम हो रहा है। कौन सी लाश दफनाने की? भाई लाश गोरी मैम, जाय को आपने किडनैप करो है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कोई किडनैप विडनैप नहीं किया है। भाभी जी, हम यही दरोगा जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल किडनैप आपने नहीं किया है, ये भभूति जी ने किडनैप किया। भाभी जी क्या जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
हमने हप्पू सिंह जी को समझा दिया है, आप पे कार्रवाई नहीं होगी, जो भी कार्रवाई होगी भभूति जी पे होगी। और ठहर जा सचर, तुम बीच में काय को जबरदस्ती हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? अरे हम तो वैसे गोरी मैम पे आज तक ना आने देंगे। हमारा मतलब है कि हम खुद गोरी मैम पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ भैया विभूति पे कार्रवाई करेंगे बस। अरे लेकिन आप विभू पे कार्रवाई करेंगे क्यों? अरे गोरी मैम, भैया विभूति ने वे अपने अलीगढ़ वाले संजय महर्षि हैं, उनके साले को किडनैप कर ला हुआ है और खून भी। ये सब झूठ है, कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। अरे अनु यार, ये क्या फालतू हो गए, मुंह लग रही हो यार, मुझे बाहर निकालो ना। हैं? जब भैया विभूति की आवाज कहां से आ रही है? ये बताना ही पड़ेगा, विभू की आवाज इस गड्ढे में से आ रही है। विभूति जी गड्ढे में कैसे पहुंच गए? अरे महाराज, लाश को ठिकाने लगा रहे होंगे आराम से। बकवास मत कीजिए, कोई लाश वाश को नहीं दफना रहा यहाँ पर। माफ कीजिए तो भाभी जी, कहीं आपने हमेशा की तरह तंग आके इन्हें धक्का तो नहीं दे दिया? नहीं ऐसी, वो गड्ढा इसलिए खुदा है क्योंकि जमीन के नीचे चांदी के कलश में सोने की अशर्फियां गड़ी हुई हैं। हाँ, इसे क्या देख रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा आपको? रुकिए। अरे यार अन्नू यार, क्या तुम लोगों ऊपर क्या चल रहा है यार, मुझे निकालो ना बाहर। अभूति जी, झा क्या रहे, निकालिए ना। अरे गड्ढा किसने खोदा? तेरे बाप ने खोदा है। ये देखिए इस डायरी में लिखा हुआ है, ये देखिए। अरे तुम का ससुर देखो, चश्मा लगा, चुप रहो यार तुम, ये तो देखन दो। तिवारी यार, गोरी मैम तो बिल्कुल सही कह रही हैं। माफ कर दीजिएगा भाभी जी, भूल हो गई। अरे मुझे बाहर निकालो यार। ओ ये माफी वाफी छोड़िए आप लोग, जल्दी से पहले विभू को गड्ढे में से बाहर निकालिए और उसके बाद आप दोनों भी खुदाई में लग जाइए। जो भी अशर्फियां मिलेंगी उसमें से 250-250 आप लोगों को भी दे दूंगी। बहुत बढ़ गया गोरी मैम, हम अब ही खोद देते हैं। अरे दादा अब ही ले, तिवारी ठहर जाओ, रस्सी पकड़ो। भैया विभूति, हम रस्सी खींच रहे हैं, तुम कस के पकड़ लियो। विभू कस के पकड़ो, बाहर आओ। तिवारी जान लगा, 250 असलियां ले अभी तो। खींच रहे हैं यार, तिवारी खींचो यार। क्या खोखले दरोगा है आप, ताकत नहीं आप में? नौछावर के लिए तो बड़ी ताकत आ जाती है। क्या क्या घूर घूर के देख रहे हो मुझे? गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? हाँ, मुझे गिल्टी फील करा रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही कर रही थी ना जो डायरी में लिखा है, देख लो। सब झूठ लिखा है इसमें, सब झूठ लिखा है, एक एक चीज झूठ लिखी है इसमें, एक एक चीज देखो ना, सब चीज झूठ लिखा है। 25 दिसंबर की वो ठंडी रात, अचानक मुझे एक आहट सुनाई दी। मैं बाहर निकल के देखता हूं तो आंगन में जो 7 दिसंबर को मैंने कलश गाड़ा था, वो गड्ढा करके कलश कोई निकाल के ले जा चुका है। इसका मतलब शर्मा अंकल के दादाजी ने जो खजाना गाड़ा था 7 दिसंबर को, वो 25 दिसंबर को चोरी हो गया। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। मैं नहाने जा रहा हूं। अरे दादा।
को है किसम मर गए। अरे दादा गिज गिजा रहा हूँ कीचड़। अरे तोरे रखो यार नाले के पास। अरे गोरी मैम भैया विभूति 4-6 दिन से गड्ढा के अंदर हती का। अरे दादा जाने का कर गए अंदर।